इधर शिमला में भी भाजपा कार्यालय दीपकमल में आज स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल समेत भाजपा के तमाम पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया और ध्वजारोहण किया। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सभी प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी, बधाई दी। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भाषण में कही गई वन नेशन वन इलेक्शन और यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात को देश की आवश्यकता बताया। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री द्वारा विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को भी प्रदेशवासियों से इसका स्वागत करने को कहा। तो बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने कहा 24/7 2047, ये हमारा एक मिशन है, 24 घंटे काम करना और 2047 तक भारत विकसित राष्ट्र के रूप में विश्व के सामने हो, इस बात के लिए सुनिश्चित करने के लिए जो मेहनत करने की आवश्यकता होगी तो हम सब लोग मेहनत करेंगे। वहीं इस दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल ने प्रदेशवासियों को बधाई देते हुए कहा कि आज प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से भारत के विकास का रास्ता दिखाया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने भाषण में राज्य सरकारों और नागरिकों से अपने कर्तव्य के निर्वहन का आह्वान किया, जिसके जरिए देश को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने की कल्पना की गई है। एक भारत श्रेष्ठ भारत, मेरा देश एक भारत के रूप में खड़ा। भारत का संविधान श्रेष्ठ संविधान है, जिसके अंदर और सबको समान अधिकार मिलना चाहिए। विश्व में भारत और तीसरी आर्थिक महाशक्ति ये हम बनाएंगे, ये मोदी जी ने कहा, हमारा संकल्प है और हम इसको तीसरी आर्थिक महाशक्ति बनाएंगे।